नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि दुल्हन जिसने 3 किलोमीटर लंबी साड़ी पहनी, जिसे 250 स्कूली बच्चों ने संभाली। जी हाँ, लोग खबरों में छाने के लिए क्या नहीं करते। ऐसी एक घटना श्रीलंका के कैंडी से, जहां एक दुल्हन ने इतनी लंबी साड़ी पहनी कि उसे पकड़ने का काम करीब 250 छात्रों के जिम्मे आया। 3.2 किलोमीटर लंबी साड़ी पहनकर दुल्हन दूल्हे के साथ पैदल चल रही थी और 100 अन्य छात्राओं को फ्लावर गर्ल बनाया गया था। 3.2 किलोमीटर लंबी साड़ी पकड़ी हुई छात्राएं कैंडी स्थित एक सरकारी स्कूल की छात्राएं थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस शादी में केंद्रीय प्रांत के मुख्यमंत्री सारत एक्कायक्का चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे थे। हालांकि इस संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण घटना की जांच की जा रही है, क्योंकि उनके मुताबिक ये ट्रेंड सही नहीं। उनके अनुसार स्कूल छात्राओं को स्कूल के घंटों में किसी समारोह के लिए तैनात करना कानूनन जुर्म है, जिसकी कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। एनसीपी के अध्यक्ष के मुताबिक शादी समारोह में इन बच्चों का इस तरह का उपयोग बाल अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि किसी समारोह के लिए छात्रों को शिक्षा से वंचित करना और उनकी सुरक्षा और गरिमा को नुकसान पहुंचाना एक कानूनन जुर्म है, जिसकी सजा मिलेगी।